हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पहली गाड़ी है, कुछ सही रेट में अच्छा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा हो जिससे हमें लेकर कोई टेंशन ना हो, रिग्रेट ना हो। तो भाई मैं आज पर्सनली ये बात बता रहा हूं, मेरी जो खुद की एक फेवरेट गाड़ी है ना, भले ही मेरे हाथ में 8 लाख 9 लाख रुपये हैं, अगर मैं पहली अपनी गाड़ी लेता तो भाई वो यही लेता, ग्रैंड आइटन नियोस का ये है मैग्ना वेरियंट। कीमत पता है कितनी है? सिर्फ 6,23,000 रुपये। आप समझ रहे हो, 6,23,000 में ह्यूंडई का प्रोडक्ट, जो कि अपने आप में ये एक प्रीमियम स्टैंडर्ड सेट करे हुए ना, वो इसमें दिखते हैं। और भाई सेकंड मॉडल होते हुए, इससे नीचे एरा भी आता है, ये सेकंड मॉडल है, सेकंड मॉडल होते हुए, सेकंड वेरिएंट होते हुए भी इसमें वो सारे फीचर हैं जो कि आपको एक अपनी पहली गाड़ी में चाहिए होते हैं। भाई लुक देख रहे हो इसका, कितना टाइम से आ रही है, हम देख रहे हैं इन्हें बिकती हुई, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार वो वाली बात नहीं रही इसमें, कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वो फील नहीं आता गाड़ी वाला। नहीं यार, सब कुछ परफेक्ट लगता है। DRL इस सेगमेंट में इस कीमत में आपको कोई नहीं दे रहा। और जब जलती हुई आती है ना भाई, ऐसा नहीं लगता कि कोई 6,23,000 एक्स शोरूम वाली गाड़ी आ रही है। इस तरह से ओवरऑल लुक है। चौड़ाई की बात करें तो आपको मिल जाती है मोटा मोटा 1680 mm। हेडलैम्प देखते हैं तो स्मोकी इफेक्ट इसमें आपको दिया हुआ है अंदर, और हैलोजन बेस दी है, सिंगल बाउल है, अप एंड लो दोनों यही काम करता है, उसके साथ ही हो गया इंडिकेटर। फॉग लैंप इसमें नहीं आते, लेकिन आप एजेंसी से लगवा सकते हो। भाई ये मतलब घुलने मिलने वाला डिज़ाइन है, और जब फील करते हो, छूते हो, चाहे एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, आपको लगता है कि हाँ यार ह्यूंडई में कुछ तो बात है जो कि इसको बाकियों से अलग बनाती है। साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं तो ये है कुछ साइड प्रोफाइल। लेंथ की बात करें तो 3805 mm मिलती है इस सेगमेंट में, 4 सिलेंडर इंजन के साथ। इस समय आपको सिर्फ कौन सी मिल रही है, इग्निस। भाई वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया प्रोडक्ट, अच्छा है, लेकिन अगर बात करें उसके लुक्स को लेकर तो बहुत लोग पोलराइज हो जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमें वो मज़ा नहीं आता। तो भाई उन लोगों के लिए वो जो मज़ा है वो इसमें मिल जाता है। इस तरह से बात करें इसके व्हील की तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 14 इंच के 165/70R14 प्रोफाइल है, व्हील कवर साथ में मिलता है, फेंडर में इंडिकेटर मिल रहा है, लेकिन अपने जो मिरर है ना ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, डोर हैंडल वगैरह सब कलर्ड हैं, GI10 भाई यहाँ पर, क्योंकि ग्रैंड आई10 खानदान की है ये, नियोस थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला इसमें आया था वेरिएंट वही है। और उसके साथ बात करें इसके व्हील बेस की, वो मिल जाता है आपको 2450 mm का, 2450 mm, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस वो मिल जाता है आपको 165 mm का। चलो बढ़िया, सी पिलर ब्लैक्ड आउट है, इस वजह से कहीं ना कहीं फ्लोटिंग रूफ वाला इस सेगमेंट में भी आपको इफेक्ट दे देती है गाड़ी, जो कि अपने आप में काफ़ी सही है। रियर में आ जाते हैं तो भाई ग्रैंड आई10 की बैजिंग यहाँ मिल रही है, ह्यूंडई नियोस, और उसके साथ कोई आपको डिफॉगर या वाइपर नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड ही मॉडल है। ऊपर आ जाता है तो हाईमास्ट प्रॉब्लम, और ऊपर दिख रहा है एंटीना बड़ा सा, दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ये रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके साथ कंप्लीट असेंबली जो है ये अपनी हैलोजन बेस्ड है, इंडिकेटर, स्टॉप लैंप, और ये सटल डिज़ाइन है, एलिगेंट डिज़ाइन है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा ये चीज़ ओवरडन हो गई, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई भी बंदा कहीं से उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाता वो। हाँ बहुत से लोग अगर इसको डिनाई करेंगे या फिर नहीं लेंगे तो ये कहते हैं यार बहुत ज़्यादा देख ली हमने, है ना, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इसका डिज़ाइन बुरा है, ये बुरी लगती है। नीचे आपको इस तरह से मिलता है अपना बम्पर में रिफ्लेक्टर, ठीक हो गई। तो भाई ये हो गया रियर, आवाज़ आते ज़रा, हाँ इधर बच रहा था ना, ये तो ये मिल रहा है आपको फ्यूल टैंक, मोटा मोटा 35 लीटर के अराउंड इसमें कैपेसिटी मिल जाती है पेट्रोल की। अब आ जाते हैं इंटीरियर पे, इंटीरियर है कुछ ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम इस सेगमेंट में, या फिर देखें इस कीमत पर आपको इस वेरिएंट में इंटीरियर मिलता है। देख रहे हो कितना खिलासा है, मतलब डार्क ग्रे के साथ ही लाइट ग्रे, कहीं भी बीज कलर ग्रीज कलर नहीं है, लाइट ग्रे की टोन है। और उसके साथ ये हो गया अपना चारों के चारों पावर विंडो, और ऑटो डाउन का हो गया ड्राइवर साइड, ये हो गया अपना सेंट्रल लॉक करने के लिए, और ये अपना है मैंने बताया था ना अभी मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर आ गया अपना बॉटल होल्डर। सीट की बात करें तो आपको इसमें जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी मिल जाता है, बताओ यार सेकेंड मॉडल में ही। और उसके साथ साथ एक और चीज़ देखो, ये अपना लेदर एट के साथ फैब्रिक है, चाहो आप इस पर कुछ ना लगवाओ, डायरेक्टली इसे ऐसे ही चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हेडरेस्ट अपने फिक्स दिए हुए हैं। और आ जाते हैं यहाँ पर, और चाबी नहीं देखी ना भाई, चाबी भी कम नहीं है, चाबी भी आपको ये वाली मिल रही है, अरे वाह ये वाली मिल रही है भाई, पों पों वाली सिंगल पों दी हुई है। और उसके साथ इसको अनलॉक करेंगे अगर तो भाई यहाँ पर इस तरह से ये जल गया इंडिकेटर, ये हो गया अपना अनलॉक, आ जा भाई मेरे ये, ठीक है। और बाकी फ्लिप की वही टशन जो बड़ी गाड़ियों में आपको मिलता है, मस्त वाला। अब चलते हैं जरा अंदर और देखो प्रीमियमनेस क्या है भाई, इस सेगमेंट में आपको इस तरह के डोर हैंडल नहीं मिलते, इसमें ये ठीक बढ़िया लगती है ना ये चीज़, ये ऊपर के सेगमेंट वाली टचेज हैं जो इसमें आपको दिए हुए हैं। आ जाते हैं इस पर, और हाँ अंडर थाई सपोर्ट अपना अभी चेक नहीं हुआ, अभी ज़रा इसको रखते हैं इधर, और ये हो गया अपना अंडर थाई सपोर्ट जो कि मोर देन इनफ है। सीट काफ़ी अच्छी है, सीटिंग काफ़ी अच्छी है,
और बाकी हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लगाते हैं जरा चाबी को इसमें और करते हैं शुरुआत। अच्छा डोर खुला रह गया, हाँ अच्छा ठीक है, 4, 5, 6 बस ठीक है भाई। ये मिल रहा है आपको इस तरह से क्लस्टर, क्लस्टर की बात करें ये हो गया टैक हो, ये हो गया स्पीड हो, और उसके साथ बीच में MID मिल रही है, यहाँ हो गया डिजिटल फॉर्म में अपना फ्यूल गेज ठीक। और एक बार हाँ ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन है, माइलेज रेंज सब कुछ दिखा रहा है। आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पर, तो आपको कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं यार इसी वैरियंट में कंट्रोल्स, और बाकी यहाँ पर साटन सिल्वर फिनिश, एयरबैग 1 और 2 आपको मिल रहे हैं उसके साथ ठीक है। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं होना बिल्कुल, टिल्ट आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ हो गया अपना हेडलैम्प और ये हो गया अपना वाइपर का स्टॉक, दोनों के दोनों मैनुअल है। आ जाते हैं यहाँ पर, तो मस्त लगता है इंटीरियर देखो, खिला खिला सा, और ये जो टेक्सचर है यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको साटन फिनिश दे रखी है, खिला खिला फील होता है। यह हो गया अपने AC जो कि मैनुअल है, ये म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है भाई, इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके चाहो इसको चेंज ना करवाओ अगर नहीं है ज़रूरत, इसी में आपके काम पूरे हो जा रहे हैं, ज़्यादा शौकीन नहीं हो तो भाई ये पूरे काम कर देगा। पेन ड्राइव लगा के इसी में गाने सुन सकते हो, चाहे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, FM वगैरह चलाता ही है, चारों डोर में स्पीकर दिए हुए हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, काम पूरा कर देगा। यहाँ पर अपना फ़ोन वन रखने की जगह, USB पोर्ट वही जो मैंने बताया, इसमें कुछ पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, और ये हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट डेडिकेटेड। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल रहा है जो कि रिफाइंड है काफ़ी ज़्यादा, एक गियरबॉक्स भी और दूसरा अपना इंजन भी। देखो स्टार्ट करूँ, ये देखो भाई यही तो बात है Hyundai के इंजन की, बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मेरे को अब मारुति के अच्छे लगने लगे हैं, तभी भाई बलेनो लिए, लेकिन ये तो भाई जिसे कहते हैं ना पहला प्यार वाला सीन है इसके साथ, पेट्रोल इंजन बहुत बढ़िया लगते हैं भाई। यहाँ पर देखते हैं अपना कप होल्डर, बॉटल होल्डर मिल रहा है उसके साथ, सिक्का करने की जगह, हैंड ब्रेक टिप दी हुई है, ब्लैक ग्लॉस, और यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह बहुत यूज़फुल है ये भाई, बहुत काम आती है, जब कोई भी लेता है ना गाड़ी ये भरा हुआ ही मिलता है आपको, यहीं पर सामान रखा रहता है। यहाँ देखते हैं अच्छा खासा बड़ा आपको मिल रहा है स्पेस, और कूल्ड नहीं है ये, बाकी IRVM डे एंड नाइट एडजस्टेबल है। यहाँ हो गया टिकट होल्डर, यहाँ हो गया अपना मिरर बड़ा सा बहुत बढ़िया, और ये यहाँ पर माइक। चलो भाई हो गई कहानी पूरी, अच्छा इंटीरियर है ना इस सेगमेंट में, दोबारा से कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, इस तरह के वेंट आपको नहीं मिलते, काफ़ी फैंसीज है, कहाँ 10-11 लाख रुपए में ऑरा आती है उसमें भी आपको ऐसे इंटीरियर मिलता है, इस तरह के वेंट मिलते हैं, वही चीज़ आपको कुल 6,23,000 एक्स शोरूम में मिल रही है। और खुद सोचो और बढ़िया डील क्या पता है, इसमें अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ती है गाड़ी इस समय, मोटे मोटे ऑफर चल रहे हैं, वो तो भाई शोरूम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 20-30 हज़ार का तो ऐसे ही बिना कुछ कहे आपको सीधा काट के दे देते हैं अगर इसके रेट पूछते हैं आप। इस तरह से पीछे का डोर दिया हुआ है, पावर विंडो का बटन है, यहाँ पर आ जाते हैं, सीट अच्छी खासी है, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, ये देखो पीछे की तरफ स्लांटेड है, पीछे के हेडरेस्ट फिक्स दिए हुए हैं, और भाई सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको AC वेंट दिए हुए हैं सेकेंड मॉडल में ही, क्या बात है, मतलब बलेनो इससे ऊपर आती है, ऊपर का वो है सेगमेंट है, उसमें भी जो अपना वो है ना जीटा मॉडल उसमें दे रखे हैं, डेल्टा में भी नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसमें सेकंड मॉडल में नीचे का सेगमेंट होते हुए, इसे कहते हैं कमिटमेंट किसी भी ब्रांड की फीचर्स को लेकर है ना। और बाकी उससे नीचे यहाँ पर देख रहे हो 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे के लिए भी, ये हो गई सेंटर लैंप, और इस तरह से एरी काफ़ी दिया हुआ है आपको कैबिन पूरा का पूरा ठीक है भाई। अब करते हैं इसको बंद, फील होता है कुछ भी पकड़ो आप, डोर खोलो बंद करो आपको लगेगा कि क्वालिटी है, और इसको बोलते हैं ये दिया आपको बूट स्पेस अच्छा खासा है, कितना भाई 260 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है, चाहो इसको पूरा का पूरा फोल्ड कर सकते हो सीट को बिल्कुल, और आपको और बढ़ जाएगा बूट स्पेस। बाकी अगर उसकी बात करें स्टेपनी की, तो भाई आपको सेम साइज़ जो इसमें लगा हुआ 14 इंची का वही मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जगह दी हुई है पकड़ने की, इसको करते हैं बाद में। अब आ जाती है बात इंजन की, कहाँ ये डेड पैडल, हाँ भाई डेड पैडल भी दे रखा है, सब कुछ मस्त है इसमें यार। ये इस तरह से दिया हुआ है K1.2 मतलब कापा सीरीज का 1200cc का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। पावर की बात करें आपको देता है लगभग 83 bhp की, और मैं टॉर्क की बात करें वो देता है आपको 113 Nm का। इस तरह पूरा पूरा सेटअप है, रिफाइनमेंट बहुत है, इसीलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ कपड़ा कुपड़ा कुछ लगाने की, ABS विद EBD आपको इसमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं। बात करें इसके माइलेज की, तो भाई 20 का कंपनी क्लेम कर देती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस तरह से बहुत बढ़िया, मतलब मैं दोबारा से वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर पहली गाड़ी वाली बात आती है, कोई कहता है भाई मिडिल क्लास लोग हैं पहली गाड़ी घर की होने वाली है तो क्या लें, तो भाई मैं इसके लिए कह देता हूँ मस्त लगती है यार, अच्छी है,
सारी ज़रूरतें पूरी कर देती है। ऑन रोड की बात करें कितने की पड़ रही है, तो मैं हूँ इस समय बिंदल हुंडई कहाँ रुद्रपुर उत्तराखंड में, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है ऑन रोड मोटा मोटा कितने का 7.25 लाख रुपए की। और ये अभी मैं विदाउट डिस्काउंट बता रहा हूँ, डिस्काउंट के बाद तो बहुत ही बढ़िया समझ जाओ आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ जाके आप पता वता कर लेना अगर मूड है। बाकी गाड़ी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।